Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झाड़ न्यूज में आप सबों का स्वागत है। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। डाड़े मोड़ के समीप ऑटो और हाईवा की टक्कर में ऑटो ड्राइवर की हुई मौत, मृतक बिहार का निवासी बताया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। थाना क्षेत्र डाड़े मोड़ की बताया जा रहा है कि बिहार के तरफ से आ रहा एक ऑटो सामने से आ रही एक हाईवा से सीधे टकरा गई, जिस कारण ऑटो के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस बात की जानकारी जब पुड़ियाहाट थाना को हुई तो वो दलबल के साथ वहाँ पहुँचे, सबको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लेकर आए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक बिहार का रहने वाला है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोड्डा ललमटिया थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल, पीड़िता का हुआ मेडिकल जांच। देखिए पूरा रिपोर्ट। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसे आज जेल भेज दिया गया। वहीं पीड़ित लड़की को आज सदर अस्पताल ला करके उसका मेडिकल जांच कराया गया और साथ ही साथ उसका कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज कराया गया। बता दें कि गोड्डा में लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस भी आरोपी को पकड़ करके जेल भेजती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने कहा, मुश्किल है, नौकरी मांग रहे 1 करोड़ लोग और उपलब्ध महज 1.77 लाख। देखिए गांधी ने शेयर की, जिसका शीर्षक है नौकरी मांग रहे 1 करोड़ लोग और उपलब्ध महज 1.77 लाख। राहुल ने लिखा, यही कारण है कि युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर है। रोजगार सम्मान है, सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ट्विटर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक खबर शेयर की, जिसका शीर्षक है नौकरी मांग रहे 1 करोड़ लोग और उपलब्ध महज 1.77 लाख। राहुल ने लिखा, यही कारण है कि युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर है। रोजगार सम्मान है, सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी। 70 साल के हुए पीएम मोदी, राष्ट्रपति, मंत्रियों व विपक्षी नेताओं ने दी शुभकामनाएं। देखिए पूरा रिपोर्ट। केजरीवाल ही प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 70 साल के हो गए और इस मौके पर उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा, आपने भारत के जीवन मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लॉकडाउन के समय में प्रवासी मजदूर पहुंचे थे गोड्डा, काम नहीं मिलने के कारण वापस जाने को है मजबूर। गोड्डा जिला के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लॉकडाउन के समय से ही बहुत सारे मजदूर वापस आए थे, लेकिन यहां पर अब काम नहीं मिलने के कारण वापस अपने पुनः उसी जगह जाने को मजबूर हो गए हैं। इसी क्रम में आज हमने बस स्टैंड में कुछ युवाओं से बात की, जहां पर ये पता चला कि ये लोग मजबूर हैं और यहां पर काम नहीं मिला, रोजगार बंद है, इस कारण पुनः वापस अपने कर्म क्षेत्र जाने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने इन लोगों को आश्वासन दिया था कि इन लोगों को रोजगार मुहैया कराई जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। कितना दिन हो गया आए हुए? आए थे। अच्छा, तो तभी से बैठे हो यहाँ गांव में, कोई पंचायत में कोई काम नहीं? मंत्रालय के अनुसार अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं 54% तक कम हुई हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि 5 अगस्त 2019 से 9 सितंबर 2020 तक जम्मू कश्मीर में 211 आतंकी घटनाएं सामने आई, जबकि इसी अवधि में 2018 व 2019 में 455 घटनाएं सामने आई थी। गृह मंत्रालय के अनुसार सरकार ने आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
झारखंड में कोरोना वायरस के मामले 66,000 के पार, ठीक होने वालों की संख्या हुई 51,357। झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 1,618 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 66,074 हो गई है। कुल मामलों में से 14,138 मामले सक्रिय हैं, जबकि अब तक 51,357 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं प्रदेश में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 579 हो गई है। दुमका में सीएम सोरेन ने किया 133 करोड़ की 40 योजना का उद्घाटन। कहा, हुनरमंद को किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं। देखिए पूरा रिपोर्ट। किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इसी लक्ष्य को आगे करते हुए आज हरिपुर का ये सेंटर प्रारंभ हुआ है। ऐसे सेंटर और भी यहाँ पर कार्यशील है और जरूरत के हिसाब से और भी अन्य सेंटरों को भी प्रारंभ किया जाएगा। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब लोग इस सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहवर्धन के लिए आप लोग यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धरना प्रदर्शन कर रहे मोहराबादी मैदान में एक और महिला सहायक पुलिसकर्मी हुई बेहोश, भेजा गया रिम्स। देखिए इस रिपोर्ट पर। मोहराबादी मैदान में एक और महिला पुलिसकर्मी हुई बेहोश, भेजा गया रिम्स। स्थानीयकरण की मांग को लेकर आज छठे दिन भी सहायक पुलिसकर्मी डटे रहे। इस बीच चिलचिलाते धूप में चायबासा की एक महिला पुलिसकर्मी बेहोश हो गई। इसकी जानकारी मोहराबादी मैदान में तैनात लालपुर थाना के पुलिस कर्मियों को हुई तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे रिम्स भेजा गया। विभिन्न जिलों से लगभग 800 महिला पुलिसकर्मी भी आई हैं। इनमें से कई महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। दूसरी ओर पुलिसकर्मियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं गोड्डा झार न्यूज। अगर आप भी चाहते हैं कि सबसे सटीक और सबसे तेज समाचार देखना तो चैनल को अभी फ्री में तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।